सर मैंने एक पिक्चर भेजा हूँ सर, उस पर स्टोरी लिखी है सर, सेंड करता हूँ सर। रुको, पंखा थोड़ा धीमा कर दूं, आवाज बहुत आ रही है। चलो बोलो, आप आ गया। सर पिक्चर शेयर करके स्टोरी पढ़ता हूँ सर। शेयर करिए। हाँ सर हाँ अभी अभी बताता हूँ सर, अभी बताता हूँ, एक मिनट सर। निगम, एक पिक्चर मैंने शेयर किया है, वो भी करना बाद में। हाँ सर मैंने अभी ये करता हूँ सर, देखिए सर दिख रहा है सर। अभी तक तो नहीं दिखा। हाँ आप दिख गया, ये ग्रे बियर्ड है, एक लड़का जा रहा है। ये पिक्चरें बहुत पुरानी हो गई यार, अभी दिखती उखती नहीं है बोर्ड में। इतनी टेक्नोलॉजी स्ट्रांग हो गई, इतने नए सब सोशल मीडिया का इतना इम्पैक्ट हो गया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया आ गया, ये पिक्चरें अब नहीं दिखाई जाती हैं, बहुत नहीं दिखाई जाती है। बस उसे एक ही दो पिक्चर पड़ेगी, जाकर वहां मोटिवेशन लिया। गुरु और कोई जी पिक्चर बनेगी? इसमें सर मैंने इस पे लिखा है सर। आप मेरी बात को समझ लें, जो आप लिखा भी सही लिखा। आप मेरी बात को समझ लें, पिक्चर में जिस स्टिमुलस में, जिस ओबीएस में, ओबीएस हिंदी प्रकट भी होती है। गुरु जी थोड़ा सा सही बैठो, आप आ नहीं रहे पिक्चर में। एक मिनट, कॉल आ रही है। निगम, हेलो हाँ निगम, सर, मैं बोल रहा था कि इस स्टोरी पर दो तीन स्टोरी बन जाती हैं। क्या क्या बोलिए सर। एक तो ये बनेगी कि हिज ग्रैंडफादर वांटेड हिम ए टू डॉक्टर बिकॉज ही वो ही एक्सेप्टेड हिम एज ए, या मतलब ही वॉज हिज, क्या बोल सकते हैं उसको यार, रोल मॉडल। ठीक है, हाँ तो ये वो वॉक वाला डॉक्टर, हो सकता वो रोल मॉडल करता है उसको जॉइन, और फिर वो डॉक्टर बन जाता है, उसका दादा गुजर है। जाता है। नहीं देखो, मैं बता दूं, ये जो सर्विसेज सिलेक्शन बोर्ड का जो सिलेक्शन सिस्टम है, ये गुरु जी थोड़ा सही बैठिए इमेजिनेशन। आप, गुरु जी सही बैठिए, थोड़ा हमें बोलने दो भाई, स्पीक। फोटो सही नहीं आ आप रहा लोग आपका। भैया, आप म्यूट करो, मुझे बोलने दो गुड इवनिंग सर। भैया, गुड इवनिंग, मुझे बोलने दो। गुरु जी गुरु मैं जी बोल मैं रहा हूँ, बोल रहा था, आपकी आवाज ही नहीं आ रही, मैं क्या सुनूंगा? गुरु जी मैं सर बोल रहा आपका था, कैमरा थोड़ा सही कर दिए सर। सही कीजिए वो सर, फोटो सही नहीं आ रहा। दूसरा बटन है, नहीं नहीं सर, फोन को थोड़ा ऐसे करके रख दिए सर, जैसे आपका थोड़ा बढ़िया आएगा सर। पूरा अच्छा एक मिनट रुको, वेट करो। यस गुरु जी, अब सही आ रहा अब है, ठीक है? अब सही है गुरु जी। हाँ मुझे बोलने दो। जो आपका सिलेक्शन सिस्टम है, ये इमेजिनेशन से कंप्रोमाइज करने के लिए तैयार नहीं है। ग्रेवयार्ड की पिक्चर में और नो वैकेंसी की पिक्चर में केवल एक ही दो आइडिया आती है। ग्रेवयार्ड में देयर इज ओनली वन आइडिया, कि वो आदमी अपने ग्रैंडफादर फादर के आप उस पर कब्र पर जाता है और वहां उनसे निवेदन करता है, या उनके उनके लिए गए सपने, उनके जो उन्होंने सपने लिए थे उसको पूरा करने के लिए कमिटमेंट करता है, घर पर आकर मेहनत करता है और कमिटमेंट पूरा कर जाता है। इसके सिवा ग्रेवयार्ड का कोई कोई स्टोरी नहीं बनती। नाउ आई एम कमिंग टू नो वैकेंसी। लड़का जाता है, नो वैकेंसी का बोर्ड देखता है, वहां से फ्रस्ट्रेट होकर आता है, या तो तीन चार दोस्तों की मदद से चार पांच जगह अप्लाई करके प्लेसमेंट और कैंपस प्लेसमेंट को अटेंड करता है, फिर जॉब पा जाता है, या एंटरप्रेन्योर, करेक्ट प्रोनाउंसिएशन ही, उसको उसमें वो कोई लोन लेता है, लोन लेकर के वो कोई चीज फैक्ट्री, कोई चीज कंसर्न, स्मॉल स्केल इंडस्ट्री,
कोई भी प्लांट, कोई चीज शुरू करता है, बिजनेस, कंप्यूटर, कुछ भी, एनीथिंग एल्स, और उसमें सक्सेस हो जाता है, उन लोगों को जॉब देता है। ये दो स्टोरी के सिवा इसमें और कुछ आता नहीं है, इसलिए इस पर स्टोरी बनाना सुनाना दोनों वेस्टेज ऑफ टाइम है। अब प्रश्न उठता है कि अब करें क्या? ये जो नई टेक्नोलॉजी की पिक्चरें हमको आप दिखा रहे हैं डेली, जो ओबीएस, जो एम्बिगुअस है, हेजी है, एम्बिगुअस मीन्स लैकिंग लाइट, मर्की, नॉट क्लियर, डार्क, विच हैज गॉट मोर देन 2, 3, 4 इंटरप्रिटेशन, विच हैज गॉट इट्स ओन फ्रीडम टू इंटरप्रेट द वे यू वॉन्ट, इतना इमेजिन, इतना वो जो हेजी पिक्चर, इतना उसमें फ्रीडम है। इसलिए इन पिक्चरों को छोड़ें, ये पिक्चर अब बोर्ड में नहीं आती, और आती हैं तो उसमें एक ही स्टोरी बनती है, मैंने जो आपको बता दिया, हर साइंटिस्ट जानता है, इसलिए उसको चेक ही नहीं करेगा, सही करके 4, 5, 6 नंबर देकर आगे बढ़ जाएगा। लैंग्वेज अच्छी है, स्टोरी का मैनेजमेंट, आई मीन टू सी से द एग्जीक्यूशन पार्ट ऑफ द स्टोरी, जहां ये रिसोर्सेज का, मैन पावर का, मटेरियल का, मनी का कॉम्बिनेशन होता है, वो रिसोर्स बनता है, उस रिसोर्स को मैनेज करता है, एग्जीक्यूट करता है, और इफिशियंटली उसको एक्टिवेट करके कंक्लूजन ड्रॉ कर लेता है, स्टोरी बहुत अच्छी हो जाएगी, 7, 8, 7, 7.5, 8 नंबर मिल जाएंगे 10 में। तो वो स्टोरी दिखाओ जिसमें कुछ कम हो, ये सब छोड़ो, ग्रेवार्ड वगैरह ये नहीं आती, ये आती है जिसमें एक ही स्टोरी बनती है। ये स्टोरी ये लेडी जहां लेटी है उसके पीछे उसका घर है, या घर पीछे किसी का भी हो सकता है, उसके सामने वो लेटी हुई है, वो शॉक्ड है। इसको जूम करो बाबू थोड़ा सा, द लेडी इज शॉक्ड। और कुछ लोग खेतों में काम कर रहे हैं, उस लेडी को देखकर लोग उसके तरफ दौड़ रहे हैं, या तो ये लोग जब काम कर रहे थे उसी वक्त लेडी आई है और आके स्टॉक ब्रोकर के बैठ गई है। आप देखो इमेजिनेशन करोगे तो हमको, हाँ बाबू, इफ यू विल अप्लाई योर इंटेलेक्चुअल इमेजिनेटिव इमेजिनेशन, देन माई वर्क विल बिकम इजियर। तो आप सोचो कि ये जो स्केच और जो स्टिमुलस, ये जो सीन, जो सिस्टम ने DIPR ने बोर्ड को भेजा है, बोर्ड ने आपको स्क्रीन पर दिखाया है, 3-4 लोग खेतों में काम कर रहे हैं जिसमें एक लेडी है, बाकी जेंट्स है। देखो कितने लोग हैं, 3 लोग हैं, 5, 4 लोग हैं, 5, 3 जेंट्स हैं, 1 लेडी है, 2 लेडी। तो ये बता, हाँ अगर वो लेडी पहले से बैठी होती तो ये लोग उसके तरफ नहीं दौड़ते। देखो आप लोग, मैं आपसे बार बार यही करता हूं कि जिस आदमी के पास इंटेलिजेंस होगा, कोई आवश्यक नहीं है कि उसके पास इमेजिनेशन हो, लेकिन जिसके पास इमेजिनेशन होगा उसके पास इंटेलिजेंस जरूर होगा, क्योंकि इमेजिनेशन बिना इंटेलिजेंस के ऑपरेट करेगा ही नहीं, और इंटेलिजेंस बिना इमेजिनेशन के ऑपरेट कर जाएगा। मैं आपके सामने एक सिचुएशन रख रहा हूं, आप लोग मेरी बात को सुने तो आपको स्टोरी पर, देखिए बाबू मेरी बात को सुनो, इफ व्हाट लेट द सिचुएशन बिकम क्लियर, यू विल नॉट हैव एनी प्रॉब्लम इन द TAT। यहीं पर लड़का पकड़ में आ जाता है, ये लड़के का इंटेलिजेंस, लड़के का इमेजिनेशन, लड़के का ऑब्जर्वेशन, लड़के का परसेप्शन, लड़के का इंटेलेक्ट, लड़के का टैलेंट, लड़के का विजडम, सब यही सामने आता है। अगर ये औरत पहले से बैठी होती तो ये लोग दौड़ करके इसके पास क्यों आते? इसका मतलब किसी की कॉलोनी का, कॉलोनी में खेत भी होते हैं, फार्म होते हैं, कॉलोनी में ये फार्म है, खेत है, उसमें खेत के किनारे घर है, एकाएक लेडी, जब कुछ लोग 4 लोग खेत में काम करते होते, एकाएक लेडी सॉफ्ट आकर के बैठ जाती है, उसके आंसू जमीन पे गिर रहे हैं,
ये लोग उसके तरफ दौड़ते हैं। नाउ दिस इज द सिचुएशन एंड दिस इज द ओकेजन फ्रॉम वेयर व्हाट लेड टू द सिचुएशन विल ओरिजिनेट। बस अब इसको ओरिजिनेट करके बनाइए, मैं बैठा हुआ हूं सुनने के लिए। गुरुजी वन पॉइंट, हाँ बोलिए बोलिए गुरुजी, ये बंदे के हाथ से क्या गिर रहा है गुरुजी? काम ये भाई, ये खेत हमको बोने का कोई अधिकार नहीं है, हमको हमको ये बीज छिड़कने का अधिकार नहीं है, हम खेत में पेस्टिसाइड नहीं छिड़क सकते, हाँ ये या खेत में चूहों की दवा नहीं कर सकते। आप इमेजिनेशन भैया, हर बात हमसे क्यों पूछते हो आप? भाई टीएटी आपको इमेजिनेशन को ऑपरेट करने के लिए बोलती है, इमेजिनेशन को ऑपरेट करिए सर। इस पे सर डोमेस्टिक वायलेंस हुआ सर उनके घर पे, और हेल्प के लिए खेत को दौड़ के जाती है सर। रुको मेरी बात सुनो बाबू, ये गलती मत करना। गुरुजी इसमें लेडी के पीछे क्या बना हुआ है? मुझे बोलने दो, लेडी के पीछे कुछ नहीं बना हुआ है, वो एक मकान है उसका जो है आंसू बह रहे हैं नीचे, उसके पीछे का मकान है, देखो देखो खोल के देखो आप, ओपन करके देखो आप पीछे क्या है, मकान है, मकानी है ना? हाँ गुरुजी मकानी। हाँ तो फिर क्या पीछे उसका होगा? सर इसका लड़का अनकॉन्शियस हो गया होगा, बीमार हो गया, वो तो हेल्प लेने आई। अरे मेरी बात को सुझे, मुझे मुझे काम करने दो। एक मकान, आप ये बताइए प्रैक्टिकली बताइए, बस आप लोग स्टोरी, आपको मैं कॉन्सेप्ट समझाना चाहता हूँ। आप अपनी बाइक से, अब 90% के पास बाइक है, जो थोड़ा बहुत पैसे वाला, आप बाइक से स्कूल जा रहे हो, रास्ते में गांव पड़ता है, बिल्कुल गांव पड़ेगा। आप जब एक घर के पास पहुंचते हैं, देखते हैं तुरंत आग लगी हुई है। मैं इस सीन पर नहीं आ रहा हूं, एग्जाम्पल दे रहा हूं। ये बताइए, आप जा रहे हैं स्कूल, आपके पास टोटल समय 20 मिनट आधा घंटा मैक्सिमम 40 मिनट का है। अगर वहां इंफॉर्म कर दें तो मैक्सिमम एक घंटा आप डेढ़ घंटा रुक सकते हैं, जो लॉजिकल है। इसके बाहर रोकेंगे तो फालतू होगा, कोई आदमी समाज सुधारक नहीं है। आप बताइए, वहां पता करेंगे कि घर में आग कैसे लगी, घर में जो लोग जलने वाले उनको बचाएंगे। इन चुतियापों में जाना बंद करो। अगर टीएटी को लिखना है तो डू नॉट गो टू द पास दैट हाउ फायर स्टार्ट, प्लीज ट्राई टू प्रोटेक्ट द पीपल फ्रॉम द फायर। डू नॉट गो इनटू द फास्ट इनटू द पास अबाउट द रीजंस हाउ द हाउस कॉट फायर, प्लीज प्रोटेक्ट द पीपल, डिफेंड द पीपल, रेस्क्यू द पीपल फ्रॉम द फायर, दैट टू फ्रॉम द इनसाइड ऑफ द हाउस, बिकॉज यू आर द फर्स्ट मैन टू सी द फायर। आप चार चौथे आदमी हो सकते, तीसरे आदमी हो सकते, पांचवें आदमी भी हो सकते, सिचुएशन ऐसी है। आप प्रैक्टिकल चीज में चलो ना, यू आर ऑन द वे टू स्कूल, पासिंग थ्रू द विलेज, इन द मिड ऑफ द विलेज यू सॉ दैट हाउस, ए हाउस इज कॉट फायर, विल यू गो टू दिस स्पॉट टू इंक्वायर फर्स्ट कि हाउ द फायर इज कॉट, or will you protect the people, rescue the people from the fire who are caught inside the house? ये मैं आपसे पूछ रहा हूँ, एकदम प्रैक्टिकल बात करो आप। टीएटी आपकी होगी, उसमें आपकी प्रेजेंस होगी बाबू, अनवांटेड डिस्कशन मत करो, उनको फायर से अंदर से बाहर निकालो, आग को पकड़ने दो, फिर लोगों को इकट्ठा, लोगों को मोटिवेट करो, तीन टीम में बांटो, चार टीम में फ्रंट राइट लेफ्ट और बैक, चारों तरफ से लोग आग बुझाने जहां जहां पकड़ा है। आपने लोगों को रेस्क्यू कर दिया और डायरेक्शन भी दे दिया, लीडरशिप आ गई, उसके बाद फायर ब्रिगेड फोन ही हो ही चुका है, कोई ना कोई फायर ब्रिगेड को फोन कर देगा, बिना फोन किए भी अराइव हो जाएगा, क्यों कोई ना कोई फोन कर देगा फायर ब्रिगेड को, बड़ा आसान है, सबको मालूम है, 101 112 100 सबको मालूम है। हो गया, आगे बढ़ो सर। मतलब इस पे हम रीजन नहीं बताएंगे कि किस लिए ये लड़की आके यहाँ पे बैठ गई सर?
बस ये करें कि दे हेल्प द लेडी, गेव हर वाटर टू ड्रिंक एंड देन एस्कॉर्टेड हर टू हाउस। देयर द हीरो कॉल्ड द कमिटी मेंबर्स टुगेदर एंड इन फ्रंट ऑफ ऑल ऑफ देम ही मेड द पेपर साइंड एंड दे मेड द कमिटी मेंबर्स प्रोमिस्ड दैट सच काइंड ऑफ एक्ट विल नेवर हैपन अगेन। मेरी बात को सुन लो, मॉर्निंग आवर्स में जब आप स्कूल जा रहे थे तो आपने देखा कि चार पांच लोग जो खेत में काम कर रहे हैं, एक लेडी आकर साफ धोकर आकर बैठ गई, ये लोग उसके तरफ दौड़े, उसके लैंडलॉर्ड ने उसको डिसओन कर दिया घर से। आप प्रति तीन चार लोगों को लेकर जाते हैं, एक आध लोग रास्ते में और कलेक्ट करते हैं, लैंडलॉर्ड से बोलते हैं कि आप शाम तक आप इसको एंट्री बैक करिए, शाम को हम इसको फाइनल कर देंगे। उस वक्त टाइम नहीं आपके पास, शाम को अगेन आप आते हैं, सबको आप मैसेज करते हैं, सब लोग इकट्ठा होते हैं, वही काम कर दीजिए। वही स्टोरी प्रैक्टिकल होगी। निगम मेरी बात को समझा करो, आप इमेजिनेशन की परिभाषा को दो तीन बार चार बार रख लो। इट इज द साइंटिफिक एप्लीकेशन ऑफ योर प्रैक्टिकल प्रिंसिपल्स और द प्रैक्टिकल एप्लीकेशन ऑफ योर साइंटिफिक प्रिंसिपल्स। इमेजिनेशन मीन्स एप्लीकेशन ऑफ योर फैक्ट्स, एप्लीकेशन ऑफ योर प्रैक्टिकल आइडियाज, एप्लीकेशन ऑफ योर प्रैक्टिकल पॉसिबिलिटीज, एप्लीकेशन ऑफ योर प्रैक्टिकल एक्शंस। ध्यान रखो, आज लोग कितने लोग, आप विनोद, निगम, सत्यम तीन आए हैं, बाकी लोग कहाँ हैं सर? बाबू निगम यार, आपकी लीडरशिप को सर ग्रुप पे तो लोग हैं सर, आ नहीं रहे हैं सर। सर ग्रुप पे हमको छोड़ के और सर 70 लोग हैं सर। गुरुजी, मेरे को दो चीज और दिमाग में आ रहा है सर, बोलूं? बोलो सर। गुरुजी, गांव में जैसे ऐसे होता है कि किसी लेडीज को लड़ाई करके घर से बाहर निकाल दिया, जैसे इसकी कोई रिलेट मतलब पड़ोसी है तो ये उससे हेल्प मांगने आती है, उस वक्त तो उसको आप घर पर जाके वापस करके शाम तक के लिए टाइम ले लेंगे आप। हाँ हाँ वो शाम को कर सेटलमेंट कर देंगे। क्योंकि जब व्हाट लेड टू द सिचुएशन में हीरो का आइडेंटिफिकेशन आएगा और हीरो का उस पार्ट में प्रेजेंस को जस्टिफाई करना पड़ेगा कि वो कहां जा रहा था, एंड दैट शुड बी एक्टिव प्रेजेंस। कैंप मार स्कूल में लगा था, मॉर्निंग एक्स्ट्रा क्लासेस थे, या ड्यूटी पर जा रहा था, एयरफोर्स, आर्मी, नेवी, कोस्ट गार्ड, पैरामिलिट्री, कहीं ना कहीं तो जाएगा एक्टिव प्रेजेंस में। अगर हमेशा घर में ही सोएगा तो बेकार आदमी, उसको हम फौज में लेके क्या करेंगे? आप मेरी बात को समझने का आप लोग प्रयास कर रहे हैं? अगर हीरो को हमेशा दिखाएंगे कि साहब बिस्तर पर लेटा हुआ था, तो अंत में साइकोलॉजिस्ट बोलेगा कि बिस्तर पर लेटकर जो आदमी रोज ही बिस्तर पर लेटा रहेगा वो जिंदगी में कोई काम कर सकता है क्या? मैं 72 मेरी बात को सुनो, मैं 72 वर्ष की उम्र में कल रात को आया हूं, आ गया, और 5 से मेरा लेक्चर है, 3 की रात को मैं चल दूंगा यहां से, 4 को पहुंच जाऊंगा, 5 को मेरा लेक्चर है। आप बताइए, आप अगर हमेशा मैं सोता रहूंगा तो काम कर लूंगा? तो लीडर को हमेशा दिखाओगे कि घर में सो रहा था या घर में था वो, तो कौन साइंटिस्ट आपको रिकमेंड कर देगा, चाहे स्टोरी कितनी अच्छी हो? हर पहलू पर विचार करो ना। और ये अफसर मेकिंग क्लासेस को आप लोग 4 लोग हो, 4 लोग हो, 3 लोग हो, आप कमांडो को परसों को अटेंड करिए, ये जो आपको क्लास में मिल जाएगा तब उसकी वैल्यू आपको पता चलेगी, उसके पहले उसकी वैल्यू आपको नहीं पता चलेगी। गुरु जी एक चीज और, आगे बढ़ते हैं। एक चीज इसमें और था गुरु जी, डाउट क्लियर करना था। ये मान लो इसके स्कूल, बोलो, बोलते जाओ, बोलते। सर इसके स्कूल से बच्चे नहीं आए, ये हो सकता है? अरे यार वो विनोद, विनोद एक 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 हीटर का डब्बा है, उसमें 1 लीटर पानी भरो,
1 लीटर दूध भरो, 1 लीटर शहद भरो और 1 किलो लोहे का टुकड़ा डाल दो, चारों के डेंसिटी में अंतर हो जाएगा। भैया हाँ हो जाएगा गुरु जी। ये शॉक्ड है, बहुत बड़ी आफत पड़ती है तभी लेडीज वगैरह शॉक्ड होती है। ये स्कूल से बच्चा लेट आया इसके लिए इतना नहीं हुआ। आप यार, मैं कई बार आपको टोक चुका हूं कि मैग्नीशियम का क्यों नहीं प्रयोग करते हो आप। मैं साइंटिस्ट होऊंगा तो आपको रिकमेंड नहीं करूंगा, बुरा ना मानना। सचिव वैद्य गुरु तीन प्रिय बोले भय आस, राज पाठ और धर्म का होए सत्यानाश, वो बेघई नाश। सचिव वैद्य गुरु तीन प्रिय बोले भय आस, राज पाठ और धर्म का होए बेघई नाश। आपका सलाहकार, आपका गुरु, आपका डॉक्टर वैद्य, प्रेम बस, लालच बस, डर बस, अगर प्रिय बोलने लगे आपका सत्यानाश हो जाएगा। कई बार आपको मैंने पर्सनली टोका है, आपको निगम को, दोनों को, कि प्रॉब्लम को डेंसिटी, प्रॉब्लम को डेंसिटी देख, डेंसिटी देख करके तब स्टोरी का फॉर्मेशन करिए, वरना आपका इमेजिनेशन क्वेश्चन मार्क में आ जाएगा और आपका इमेजिनेशन क्वेश्चन मार्क में आएगा तो साइंटिस्ट आपको रिकमेंड नहीं करेगा। समझ गए गुरु जी। इन्होंने सर वो साइकिल वाला फोटो दिखाओ ना देखो नीचे, प्रलास्ट 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 प्रलास्ट। हाँ ये कौन आया भैया, राके ये ये वाला तो हमने किया था यार। सुन नहीं वो तो अब पूछना है किसी से। क्या देखो तो क्या हेलो, सर, राके आए हैं, राके के और आए हैं। राकेश सर, राकेश राकेश यादव। हाँ राके कौन है बाबू? यस सर, हाँ हाँ बाबू बताओ, आप पहला दिन है क्या आपका? यस सर, अभी फर्स्ट दिन ही है, मतलब कल भी किया था बट कल लेट हो गया था सर। ठीक है बाबू, ओके करिए। आपके साथ दो आदमी और हैं क्या? तो नहीं सर, अभी तो मैं सिंगल हूँ सर। दो आदर्श और दिखा दे रहा, दिखा रहा है, इसको कटो काटो। सर वो सत्यम है और सचिनानंद है सर, उनका लिख रहा है इनके में उनका कैसे आ जाएगा? सर, वो ऐसे नहीं ही सर, वो आता है दिखता सर है ऐसे, वो अभी। अच्छा आपका मोबाइल का स्क्रीन ठीक है, छोटा है ना सर, उस पर पूरा शो नहीं कर पाएगा। अच्छा ठीक है, चलो रख के। अच्छा लग रहा था, फिर निगम से बात कर लेना आप, बात करके फॉर्मेलिटी जो करें पूरी करके आगे बढ़ते हैं। ओके सर, आई विल टॉक विथ सर श्योरली सर। ओके ओके, सिलेक्शन से बहुत अच्छा पैकेज दे रहा हूँ यार, इसमें ऑप्शन मेकिंग क्लास सब इसी में शामिल है यार। मैं आईओ से बात कर रहा हूँ ताकि आईओ भी इसी में करा दूं, इसी पैसे में, ओके अलग में नहीं। सर, थैंक यू। और जीटीओ के लिए 1,000 रुपया मैं कल निगम को ऑनलाइन वो मेरी एक लिंक भेज दूंगा, वहां आप 1,000 रुपया ज्वाइन करके जमा डिपॉजिट करके चुपचाप बैठ जाइए, वो लो आपका ओके आईओ जीटीओ और साइक में रहूंगा। आईओ रहेंगे ब्रिगेडियर ये मेजर जनरल एमपी सिंह, और जीटीओ रहेंगे कर्नल अवस्थी। 14 दिन का कोर्स है, उसी में 1,000 में हो जाएगा। किसी के रेफरेंस की ओके जरूरत नहीं ना, किसी के रेफरेंस की जो लिंक में आपको मिल जाए, लिंक भेज दूंगा। आप सीधे बोल दीजिए मैं एसएसबी करना चाहता हूँ, बस बुक कर लीजिए आप। सर, सर 1 महीने में 2 बैच चलता है, ये खान शरीफ का है, इससे सस्ता कोई नहीं दे सकता। मेरे बाद खानी साहब हैं, हिंदुस्तान में ऐसा सस्ता कोई दे नहीं सकता, मैंने उन्हीं सीखा है। अब आप लोगों को मैं हेल्प कर रहा हूं ताकि मेहनत कर रहा हूं, इसलिए नो प्रॉफिट नो लॉस का लॉस में समझो इसको आप। मैंने सर पहले महीना 7,500 में आईओ जीटीओ साई, 1 महीना का कैडर कमांडर क्लासेस सब फ्री है, अफसर मेकिंग सर क्लास कोई देता नहीं मेरे सिवा, वही तो गैप मेंटेन करता है। चलो आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। पिक्चर शेयर किया है सर।
अगर आप लोग इमेजिनेशन का यूज नहीं करेंगे तो समझ लीजिए कि वो जो स्टोरी आप बिना इमेजिनेशन के यूज किए हुए लिखते हो बाबू, वो स्टोरी तो है लेकिन थिएटर नहीं होती है। अब देखिए, एक आदमी साइकिल से जा रहा लड़का, जिस उम्र 25 से 30 साल तक है, वेल ड्रेस्ड है वो, रास्ते में एक लड़की मिलती है जिसकी उम्र लगभग 22 से 25 26 साल के बीच में, दोनों एक दो साल का अंतर है, लगभग एक ही एज के। इससे बात करने के बाद वो भयंकर रूप से सरप्राइज हो जाती है। नाउ दिस इज द प्लेस, दिस इज द ओकेजन, दिस इज द सिचुएशन, दिस इज द स्पॉट फ्रॉम वेयर व्हाट लेड टू द सिचुएशन विल ओरिजिनेट। दिस इज द प्लेस फ्रॉम वेयर व्हाट लेड एलईडी लेड टू द सिचुएशन विल ओरिजिनेट। बस स्टोरी में तीन प्रश्नों का उत्तर देना है। ये स्थिति क्यों आई क्वेश्चन मार्क, तत्कालिक रूप से इसमें क्या हो रहा है क्वेश्चन मार्क, और इसका अंतिम परिणाम क्या होगा क्वेश्चन मार्क। ये तो तीन चीज पर स्टोरी बेस करेगी। आप इसका लिखेंगे स्टोरी का थिएटर का पैरामीटर तीन है। योर स्टोरी शुड बी वेरी मच क्लोज टू द स्टूलस पाला। दूसरा, स्टोरी शुड हैव द इमेजिनेशन, और तीसरा, स्टोरी शुड हैव द नॉलेज। अगर स्टोरी की इमेजिनेशन, स्टोरी के पास इमेजिनेशन नहीं होगा तो नॉलेज नहीं होगा। ये जो विनोद कभी कभी गलती करते हैं वो इसी करते हैं। निगम से भी पहले होती थी, अब नहीं हो रही है। जब चुतिया पर आप क्रिएट करते हो, उसके बच्चे की पेंसिल खो गई या स्कूल से नहीं आया, अरे यार द लेडी इज हैवीली सीवियरली शॉक्ड, बैठी हुई है, आंसू जमीन पर गिर रहे हैं, बच्चा स्कूल से दो घंटा लेट हो गया, इतना बड़े में ये 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 स्टेज नहीं आएगी। वेयर इज योर इमेजिनेशन, आंसर माई क्वेश्चन। एक लड़का प्रेजेंट सिचुएशन पर चलते हैं, करंट सिचुएशन पर चलते हैं। एक लड़का जिस उम्र 25 से 30 साल के बीच में है, वो साइकिल पर है और वेल ड्रेस्ड है, उसके सामने एक लड़की उसी के उम्र की है, उसकी क्लासमेट भी हो सकती है, उसकी सिस्टर भी हो सकती है, उसकी फ्रेंड भी हो सकती है, उसकी जूनियर भी हो सकती है, और उसकी प्रोजेक्ट सुपरवाइजर होता है, उसकी प्रोजेक्ट स्टूडेंट भी हो सकती है, प्रोजेक्ट सबमिट करने का खतरा भी हो सकती है। अब कौन सी ऐसी सिचुएशन क्रिएट हो रही है जो लड़की इसके इसको देखते ही सरप्राइज हो जाती है, या इसके ये कोई मैसेज देता है तब सरप्राइज होती है, इस पर स्टोरी को ओरिजिनेट करो। दिस इज व्हाट लेड टू द सिचुएशन। मैं ही बैठा हुआ हूँ, चार मिनट लिख लो, सुनो सर। एग्जाम में सिलेक्ट हो जाता है लड़का सर, और वो तब उसके बाद सर मैंने एक सोचा है सर। भैया जो पहले कौन बोल रहा था सर? विनोद बोल रहा था, विनोद सर, विनोद वो आगे तो निगम को पूरा तो करने दो। हाँ विनोद सर, विनोद सर का आवाज कट रहा है, आवाज कट रहा है सर आपका। यस यस, ओके, रुको गुरुजी, गुरुजी वालों भाई वो वाला म्यूट कर दो, एक म्यूट कर दो। सर मैं बोलता हूँ सर, विनोद सर बाद में बोलेंगे सर। सर मैंने इस पे बोला है कि आवाज आ रही है अभी ही बहुत, अब हाँ अभी आ रही है सर, आ रही है अभी, हाँ अभी आ रही है, आ रही है सर। आई वांटेड टू से दैट कि दैट बट बॉय पास्ड द एसएससी सीजीएल एग्जाम एंड बिकम द जीएसटी इंस्पेक्टर, देन आफ्टर सी आल्सो इंस्पायर्ड फ्रॉम हिम एंड सी स्टार्टेड फॉर प्रिपेयरिंग एंड ही हेल्प्ड हिम बाय प्रोवाइडिंग हिज नोट्स and his under the guidance she also gets selected. बिल्कुल नहीं, अरे विनोद मेरी बात को समझो आप,
जिस दिन ये समझ जाओगे आपका रिजेक्शन होगा नहीं, आप कोर्स वापस नहीं आएंगे। मैं रोज आपको समझाना चाहता हूँ, नहीं समझ रहे हैं आप। मुझे बताइए हाई स्कूल में मैथ में 80 से कम थे कि आपके? हाँ गुरु जी, 80 सर, 85। तो ये तो गलती, या तो नकल करके आपने 50। इंटरमीडिएट में कितने थे सर? इतने थे सर, 88। तो ये बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं आप, ये गलती आपसे नहीं होनी चाहिए। इस इंटेलिजेंस पर मैं साइंटिस्ट रहूंगा तो आपको सिलेक्ट नहीं करूंगा। रोज हफ्ते में 4 बार आपको मैं डांटता हूं। ये बताइए, वो लेडी सरप्राइज हो रही है, ये सरप्राइज स्टॉक है, इसका सिलेक्शन हुआ उसका नहीं हुआ, इसमें नहीं होगी वो, उसका प्रोजेक्ट टर्न डाउन हुआ, कोई ऐसी हादसा हुई, प्लेसमेंट एजेंसी दो प्लेसमेंट एजेंसी हुई है, दो कैंपस में आई है, दोनों में नहीं हुई, अगली ड्यू है। भैया भैया डेंसिटी प्रॉब्लम के डेंसिटी को पिक्चर को देखकर क्यों नहीं आप जड़ परसीव करते हो? हम आपको कैसे बताऊं सिचुएशन क्रिएट करना? एक महीने से समझा रहा हूं, भैया ये निगम, ये राकेश भी लेट आया और वो लड़का जो नया था राकेश लेट आए हैं, इसको बोलो कल से टाइम से आ जाए भाई, काम कर रहे, इन्हीं का नुकसान होगा। नहीं सर, वो सब पहले से ही है सर, 8 बजे से, अभी स्क्रीन बड़ा हुआ ना सर, अभी दिख रहा है इसलिए। आप लोग देखो, अगर अगर लड़कों को मालूम यह हो जाए कि लड़के फेल क्यों होते हैं, मैं आपको कैसे बताऊं? देयर इज ईएलपी और पीएलपी। ये कब बुलाऊं बोर्ड मेंबर को, कब बुलाऊं आपको ईएलपी पीएलपी समझा दे, कब बुलाऊं? आप नहीं सर, आप समझा दीजिए सर। नहीं भैया सुनो, उसके समझाने में हमारे समझाने में जमीन आसमान का अंतर है। द मैन इज इनसाइड, जिसे लोग बात करने में तरसते हैं, जिसे किसी का टेलीफोन नंबर नहीं मिलता है, जिसके फोन सेंसर होते हैं। कल मॉर्निंग में बुला दीजिए, नहीं संडे को, कल संडे नहीं है, इवनिंग को ही बुलाइए सर, लोग होते हैं। सैटरडे को शाम को बुलाऊं या मंडे संडे को बुलाऊं? सर शाम को बुलाए सर, जब बुलाए, सैटरडे बुला दिए सर, संडे लोग कम आते हैं सर। अच्छा सर ठीक है, सैटरडे बुलाता हूँ, चलिए सर। मैंने मैंने इस पे सोचा है सर। हाँ सर, बोथ ऑफ देम द लेडी एंड द बॉय आर पीजी स्टूडेंट हु वर वर्किंग ऑन अ प्रोजेक्ट ऑफ बायोडाइवर्सिटी एंड आफ्टर देयर फर्स्ट प्रोजेक्ट was accepted and the boy got a notice that his team has to represent the college forward in the Asian Science Conference. So he immediately went by cycle to his teammates and told them that their first project was approved. His teammates were happy, his teammate was happy, and then they planned further how they can represent the best way so that they can their project can be approved at the second stage as well. Then both of them worked coordinatedly, collected samples, sequenced them in proper manners, also took care of the graphs, statistics and design of the project. Ruko, ye tumhari story kahin 13 14 lines upar to nahi, 12 lines upar to nahi ja rahi? सर सर पूछने के लिए आपको बनाया है सर, बाकी शॉर्ट कर दूंगा सर मैं। नहीं नहीं शॉर्ट कर नहीं, आप इस वक्त कितनी स्टोरी जा रही है, 12 लाइन सुपर जा रही है, 13 सुपर जा रही है? सर 12 सुपर जा रही है सर। रुको रुको, चुतियापन थोड़ा क्रिएट हो रहा। मुझे आपकी स्टोरी 75-60% करेक्ट होकर के 40% पर ऐसी गिर रही है जहां से इसको करेक्शन कर दोगे तो ठीक हो जाएगी। वो लड़की क्यों साक्ष है इसमें क्लियर नहीं है। बाबू द गर्ल इज स्टूलस बॉय इज नॉट, बस अब ये समझ गए तो टीएटी में आपको कोई फेल वोल नहीं कर पाएगा, कोई फेल नहीं कर पाएगा साइंटिस्ट।
मैं सबको जानता हूं, बुद्धि राजा को भी जानता हूं, भी हमें जानते हैं। कोई साइंटिस्ट हमसे मोर्चा नहीं लेना चाहता, उतना उनके पास उतना ज्ञान नहीं है। इनकी ट्रेनिंग 45 साल की है, मेरी एक्सपीरियंस 48 साल का है, 8 किताबें लिखी। आपके पिक्चर में स्टिमुलस ऑलरेडी है, ये आपको, विनोद को, सत्यम को, राकेश को, सबको समझाना चाहता हूं। सत्यम को, सचिदानंद को, राकेश को, विनोद को, आपको सबको समझाना चाहता हूं ये चीज। देखिए, इमेजिनेशन से केवल टीएटी इंप्रूव नहीं करेगा, मेरे इस बात सुनिए। डब्ल्यूटी आपका हो जाएगा बोफोर्स, एसआरटी आसमान पे चली जाएगी, रिजेक्शन नहीं होगा। जीटीओ प्रॉपर से फाइट करेगा, आईओ इंप्रूव हो जाएगा। मालूम है इमेजिनेशन क्या देता है आपका? जो मैं आपकी एक्सरसाइजेस करवा रहा हूं, ये केवल साइक तक लिमिटेड नहीं है। आप करके देखिए और सारा ताकत लगा दीजिए ऑब्जर्व मेकिंग क्लासेस पर, जिसमें 60 ऐसे स्पीड एक्यूरेसी, क्रॉस क्वेश्चनिंग जस्ट ए मिनट, न्यू डिसेंडिंग डिसेंडिंग ऑर्डर, ये 4 सेशन 5 सेशन रोज कर लीजिए। एक सर पर्सनालिटी फौलादी हो जाएगी, बोर्ड से आप रिकमेंडेशन लेकर आएंगे। कोई बोर्ड, अरे यार मैं बोर्ड को मेंबर को बुलाता हूँ, पूछिए उनके उनके बैच में कितना रिजल्ट हुआ था, 90%। एक लड़का फेल हुआ था, अल्लोर सिन्हा, जिसके फेल होने का अपने कारण थे, फोर्स लाइफ फिट नहीं था वो, यही पूछिएगा आप। और आप समय की क्लासे कमाल क्या थे, अभी भीड़ हो जाएगी आपके पास जहां 2-4 रिजल्ट हुए। सर इस पिक्चर में बॉय के पर्सपेक्टिव से कैसा हो सकता है सर, गर्ल्स के पर्सपेक्टिव से हमने सोच लिया सर। बॉय का पर्सपेक्टिव 10% है, वो स्टिमुलस नहीं है। तो हमारे में आएगा तो सर हम गर्ल को हीरो बनाएंगे सर। हीरो गर्ल को ना, या मैं हीरो बनाने पा ही नहीं रहा हूं। मैं तो कर, हीरो तो लड़का बनेगा, स्टिमुलस तो लड़की है। हाँ सर वो तो है सर, हीरो कैसे बनेगा सर? वो लड़का हीरो बनेगा, लेकिन काजा एक्शन तो लड़की से राइज होगा ना। चलो ये बताइए, ये बताइए, आग लगी किसी के कारण से? हीरो तो वही लड़का होगा जो स्कूल जा रहा है। हाँ सर, तो इस पे स्टिमुलस थोड़ा पकड़ नहीं पा रहे हैं सर, बाकी कोई बोलो। यही कर लोगे तो हमारी क्या आवश्यकता पड़ेगी? हम कल से छुट्टी, आराम करते हैं, हम तनख्वाह मिल रही काम करके हमको। फिर एक फिर लोग 2-4 अपने आप आ जाएंगे पढ़ने, कसरत चलती रहेगी, अभ्यास। क्योंकि जिंदगी में जिसने अभ्यास छोड़ दिया वो बेकार हो गया। बाबू ईगल जो है पक्षियों का राजा है, और इतना ताकत होते हुए भी वो डेली अभ्यास करता है, क्योंकि वो जानता है कि जिस दिन मैं अभ्यास छोड़ दूंगा मैं शिकार नहीं कर पाऊंगा, बेकार हो जाऊंगा। जरा इनको मैसेज कर दो, शिवांगी को और किशन को, दोनों को 9 बजे ठीक आ जाएंगे, 9 बजे में क्लास बंद कर दूंगा। मैसेज कर दिया ऑलरेडी दोनों को। सर बोलो, इस पिक्चर में जैसे सर लड़की ने सर कोई एग्जाम दिया था एसएससी सीजीएल का, सर उसका क्रैक हो गया, वो उसका भाई है जो सर उसके लिए न्यूज लेके आया, और सर उधर से साइकिल अगर लेके आया गिफ्ट के तौर पर, तो ऐसे बना सकते हैं? राकेश बोल रहे हैं, सत्यम बोल रहा हूँ सर। ऐसा न्यूज, ऐसा रिजल्ट, ऐसा रिपोर्ट, ऐसा मैसेज जिससे लड़की शॉक्ड और सरप्राइज हो जाए, वहां से व्हाट लेड टू द सिचुएशन ओरिजिनेट होगी, बस ये इसका फाइनल स्टेप है। सर ये तो मैं बताया था सर, जैसे कि यूपीएससी का प्री में पास हो जाना, या फिर कॉम्पस कैंपस का प्लेसमेंट हो जाना फॉरेन के लिए। प्री में पास हो जाते हैं फिर सेकंड के लिए वो दोनों, दे विल
join a coaching like then they start preparing with revised daily revision. Yes sir. विनोद बोल रहे हैं? हाँ गुरु जी, विनोद बोल रहे हैं ना? हाँ जी, एक साल बाद चांस आता है, इतना सरप्राइज नहीं होगा। एक साल बाद चांस आता है, अगर आप बताइए, अगर आप प्री फेल हो गए कितने दिन बाद चांस मिलेगा आपको, जरा मुझे बता दीजिए। मैं इनका अगर आपने प्री में फेल हो गए हाँ गुरु जी, तो कितने दिन बाद, भैया मेरी बात को जवाब दो, कितने देर बाद फिर आप फिर दोबारा प्री दे सकते हैं? मेरे बात का जवाब नहीं दोगे तो बात को, हाउ द कोर्स ऑफ टॉक विल रन एंड विल रोल? एक साल बाद तो भैया इसको क्यों बोलने में इतनी देरी लगा रहे हो, हमारी जान क्यों खा रहे हो? तब कहां से इस प्रकार का सर्वाइव होगा? चुपचापे के बाद करना बंद करो, इमेजिनेशन को ऑपरेट करो। कौन सी ऐसी सिचुएशन हो सकती है कि इमीडिएट वो सरप्राइज हो जाए और इमीडिएट उसके लिए कोई रास्ता निकाला जाए, इमीडिएट वो वर्क हार्ड करे और फिर वो अटेम्प्ट में सफल हो जाए? वो सिचुएशन क्रिएट करो, इमेजिनेशन का यूज करो भैया, हम थोड़े करेंगे, हमें थोड़े बोर्ड करेंगे। सर अभी सोचा है सर, बोलो सर। बोलो सर, ये लड़का एक कोच है सर। हाँ। और उसको वो पता चलता है कि वो जो लड़की है वो उसके स्टूडेंट है, जिसका सिलेक्शन स्कूल वालों ने, स्कूल बोर्ड में जिसका सिलेक्शन हो गया है, और हाँ। उसको 15 दिन बाद पंजाब भेजा जाएगा सर क्लस्टर मीट के लिए। हाँ। और उसका इवेंट है सर 1500 मीटर सर। हाँ। आफ्टर दैट फर्स्ट दैट सर गर्ल गॉट सरप्राइज दैट she has been selected by the board and then she eagerly wanted to play and win for the school sir. His coach then planned a routine with proper diet and daily practice session in the school field itself. Ruko. वो second round को clear करके third round में कटी है और उसको एक हफ्ते का मौका दिया गया। यस सर, मतलब एक हफ्ते का एक्सटेंशन दिया गया सर उसको। सेकंड राउंड या थर्ड राउंड पूरा करने के बाद फोर्थ राउंड में कटी है, या फर्स्ट राउंड पूरा करने पर करने के बाद सेकंड राउंड में कटी है और एक हफ्ते का चांस उसको मिला है, और एक हफ्ते खूब जम करके रगड़ेगा। तेरी बात को समझो सब लोग, वी वांट एन ऑप्टिमम हीरो हु कैन अटैक टू द प्रॉब्लम एंड सॉल्व इट। वी वांट ट्रबल शूटर, क्राइसिस लीडर, चैलेंजर, रिस्क टेकर, सिचुएशन क्रिएटेड इन द सच ए वे दैट दैट द ग्रुप हैज गॉट और द सिचुएशन हैज गॉट नो अल्टरनेट एक्सेप्ट टू थ्रो दिस लीडर अप। मैं फिर बोल देता हूं, leaders and the leader both are mute karo roz kehta hu Vinod kya hai kya problem mute kar do aap roz hum log bolte hain hum nigam roz chillate hain leadership and leader both are the only parameter for the selection of an officer in the defense forces therefore The situation is created in such a way that situation and the group has got no alternate except to throw its leader up. Leader emerges from the problematic conditions or from the problematic situations. इतना याद रखो, आप टीएटी में, आपके टीएटी में कोई कलम नहीं लगेगी, और टीएटी अगर स्ट्रांग हो गई आप वापस नहीं आएंगे, बस रहते आपको काम भर की अंग्रेजी बोलनी आती हो। और मैंने आपको कई बार बोला, आप धूर्त, कमीने, झूठे, मिसकमिटमेंट करने वाले, डीमोटिवेटर, लेग पुलिंग करने वाले,
हमेशा सीरियस रहने वाली ना हो, वो लटकाए ना रहे आप गुरुजी, और दूसरे को हेल्प करने वाले हो, एकोमोडेट करने वाले हो, इंपैथी आपके अंदर हो, दूसरे के जूते में घुस करके आप देखें, दिस इज द डिफरेंस बिटवीन इंपैथी एंड सिंपैथी। आप लोग सब चुतियापे बातें टीएटी में करने लगते हैं, मैं उसी में उलझ जाता हूं। गुरुजी वन थिंग आई वांट टू से गुरुजी, हां बाबू गुरुजी, देखो ये पर्टिकुलर गर्ल इज लाफिंग सर। भैया भैया मेरी बात सुनो, 1939 से लेकर आज तक ये रिकॉर्ड रहा है कि टीएटी में जितने स्टिमुलस दिखाए गए हैं अभी तक कोई हंसता हुआ स्टिमुलस नहीं दिखाई गया। विनोद परसेप्शन को ठीक करो, ऑब्जर्वेशन को ठीक करो, 1939 लेकर आज तक कोई भी हंसता हुआ स्टिमुलस डीआईपीआर ने नहीं दिखाया। भैया ये दीपिका पादुकोण, सायरा, कायरा, दुनिया भर के इनका डांस ना दिखाते हैं, क्या जरूरत है सिचुएशन दिखाने की? बाढ़, फ्लड, फायर, मिलिट्री ऑपरेशन, सुसाइड, पहाड़ी पे चढ़ना, चाकू लेके एक आदमी मार रहा, नदी में कुछ लोग डूब रहे हैं, ड्राउनिंग, सुसाइड, फ्लड, ये सब क्या दिखाने की जरूरत है? ये छोड़ दो, हंसना परसीव करना छोड़ दो, हंसना दिखाया नहीं जाता है। वो अपने अपने भैया लला विनोद मेरी बात सुनो, अपने सुविधा अनुसार स्टोरी को मत मोड़ो, मत मोड़ो, मत मोड़ो, साइंटिस्ट अगेंस्ट हो जाए, इसको विशफुल थिंकिंग बोलते हैं। तो साइंटिस्ट बोल देगा कि विनोद कंफर्ट जोन में रहना चाहते हैं, इसका मतलब विनोद जो है 6 बजे के बाद जगते हैं। कई बजे जगते हो? 6:30 बजे, 7 बजे, 4:30 सर, 4:30 में तो होना ही नहीं चाहिए। मैं तो 85 सर, बात को समझो मेरी, बीच का मतलब बाद में आपने आराम से एयरपोर्ट में खाना मिला, आपने मेहनत करना बंद कर दिया। भैया कारण मत क्रिएट करो एसएसबी में रिजेक्शन का, उसमें हम कुछ नहीं कर पाएंगे, हम बता देंगे आपको, मेरे फायदा उठाओ तो फायदा उठाओ, 3-4 महीने में सिलेक्शन लो जाओ। राइट निगम, वो एक वो उस वाला पिक्चर दिखाना रेलवे वाला, मैं शो करता हूँ। कौन सा रेलवे वाला सर? इसमें ये पूछता है गुरुजी सिंह सर। हेलो सर, हाँ बोलो सर, मैं सत्यम बोल रहा हूँ सर, मैं ये पूछ रहा हूँ, जैसे सर ये लड़की इसमें शॉक्ड है, तो सर वैसे हंसता हुआ स्टिमुलस नहीं दिखाया जाता, लेकिन हम इसको पॉजिटिव वे में नहीं ले सकते हैं क्या, जैसे कि उसको कुछ खुशखबरी मिली हो इसलिए वो ज्यादा? अच्छा ये बताओ, खुशखबरी पे केवल केवल टी पार्टी अरेंज होगी ना? जैसे जैसे सर ये लड़की एथलीट थी सपोज, मैं मुझे ऐसे सवाल मत पूछो, मेरे बातों के जवाब दो, खुशखबरी टी पार्टी अरेंज होगी, मिठाई बटेगी ना? यस सर। वो टीएटी होगी नहीं, और बोलो। अब जैसे सर इसमें मैं एक थीम ये डालना चाह रहा था, सर ये लड़की साइकिलिस्ट थी और सर इसका भाई आया न्यूज लेके, मतलब कि इसका सर नेशनल टीम के लिए सिलेक्शन हो गया और सर वो इसकी ड्रीम साइकिल को लेके आया है। अरे यार चुतिया पे बंद करो, नेशनल टीम में जो उसने मेहनत किया वो दिखा, वो टीएटी होगी, ये चुतिया पे रिजल्ट टीएटी नहीं होगी, रिजल्ट तो उसका कंक्लूजन है, जो उसने मेहनत किया था वो मेहनत दिखाओ ना, वो टीएटी होगी, कैसे आपको समझाऊं मैं? ओके सर। जिस कोच के साथ भैया भैया अर्णमा सिन्हा अपने पैर कटने के बाद बचेंद्री पाल के पास गई और बचेंद्री पाल ने कहा कि तुम तो मेंटली एवरेस्ट पर चढ़ चुकी हो, केवल शरीर लेके जाना है, कितना बड़ा मोटिवेशन था। उसके बाद आकर उसने मेहनत किया, वो मेहनत दिखाओ उधर टीएटी होगी, एवरेस्ट पर चढ़कर झंडा फहरा दिया और टीएटी हो जाएगी। व्हाट इज करंटली हैपनिंग कहाँ है, हमसे क्यों पूछ रहे हो ना?
इन तीनों सवालों को लिख करके अपने सब सवाल पूछो, व्हाट लेड टू द सिचुएशन, व्हाट इज करंटली हैपनिंग एंड व्हाट इज द फाइनल आउटकम। आप खुद सवाल पूछो ना, हमसे क्यों पूछते हो, हम तो आपको बता ही देंगे। मैं आपसे आपका दुश्मन थोड़ा, मैं आपसे नाराज थोड़े हूं। जब चुतियापा सवाल करते हैं उसको मैं ओपन करता हूं, मैं आपको तारीफ करके खुश कर दूं और आप अपने दोस्तों बोलो कि गुरु जी कितने बढ़िया है या मेरी तारीफ करते। भैया समझ लो मैं आपका दुश्मन हो गया, जड़ काट रहा हूं, आपको परमिशन नहीं देना चाह रहा हूं। इसलिए हर जगह टोकता हूं कि टीएटी नहीं है, ये चुतियापा है। नंबर कहां से देगा उसको, आपने रिजल्ट सुना दिया तो भैया नंबर कहां से दे देगा वो। व्हाट इज करंटली हैपनिंग का बेटे 70% है, व्हाट लेट सिचुएशन का 20% है एंड व्हाट इज द फाइनल आउटकम उसका 10%। आप फाइनल आउटकम बता रहे हैं सत्यम 10% वाला, 90% कहां गया वो आप बता ही नहीं रहे। ओके सर, मैं इंप्रूव करूंगा नेक्स्ट टाइम। भैया बाबू आपको मैंने बता दिया कि आप 10% पर बात कर रहे हैं, 90% आपने छोड़ दिया, OTAT हो ही नहीं। हाँ चलो और आगे बढ़ो, अब 8 मिनट रहिए, 56 हो गया ना, कितना हो गया, 55। एक पिक्चर था गुरुजी, एक दिखाना था, मैं 9 बजे बंद कर दूं गुरुजी। एक तो लेडी, अभी 5 मिनट है गुरुजी, 5 मिनट जो अभी एक लेडी दिखाई थी ना गुरुजी, जो काउंटर पे बैठी है, दिखाओ। मैं दिखाता हूँ सर, जूम करो जूम करो जूम करो, ये काउंटर भी हो सकता है, विंडो भी हो सकती है। हाँ गुरुजी, बस इस तरह से लेडी है, ये सीरियस है, बस इसके सिवा कुछ नहीं दिखाई दे रहा, सामने खाली है पूरा। और यहीं पर यो यहीं पर आपके इंटेलेक्चुअल इमेजिनेटिव इमेजिनेशन का रोल शुरू होता है, जहां कुछ ना दिखाई दे समझ लो कि टीएटी आप बहुत बढ़िया बना सकते हो, आपको टोटल फ्रीडम मिल गई, आपको सिस्टम ने पूरा क्लू दे दिया। आइए दो, सर मैंने इस पे बनाया, शी इज अ न्यूली अपॉइंटेड बैंक मैनेजर सर, एंड शी वाज गिवन अ टास्क टू रिकवर ऑल द लोन विद इन 1 मंथ बिकॉज द फाइनेंशियल ईयर वाज एंडिंग ऑन द मंथ ऑफ मार्च। शी फॉर्म्ड 3 teams and divided the number of clients for each teams. She contacted the claims and with the recovery papers approached them, and in the first week encouraged everybody to pay their installment. And from the second week, she started taking strict action and recovered 90% of the loan within the given time. Nigam, yaar, TAT aapki achhi aa rahi hai, aap ek kaam karo isko. इसको इस किसानों के अर्जेंट स्कीम से रिलेट कर दो। सर गुरुजी मैंने बढ़ाया था ये कि इसमें कि वो असाइनमेंट रस्मी वो 30 ईयर असिस्टेंट बैंक मैनेजर एट कैनरा बैंक चूरू। सर हर ब्रांच असाइंड टू ओपन जनधन अकाउंट ऑफ थ्री विलेजेज विद इन 20 डेज, देन ही स्टार्टेड with the demography of the village and he also urged to the main branch to give 2 employees. She also increased the counter 4 to 6 counter and within a 20 days she achieved the target.
सर और थोड़ा दो एक एक्शन और डालूंगा ताकि वो गांव में अवेयरनेस फैलाती है ताकि लोग मैक्सिमम लोग आ जाएं। ये आपका और निगम का दोनों की स्टोरी मैंने सुन लिया, कल इसको रखेंगे, ये स्टोरी को थोड़ा सा रीशेप कर देंगे, बहुत अच्छी थियेटी हो जाएगी, ये सोशल वेलफेयर का है, बहुत टॉप पर जाएगी। चलो अब ये 9 बजने वाले गुड नाइट करते हैं, बाकी कमांडर्स को फोन करो, इनको बुलाओ। तब तक मैम आ गई, आ गई, शुरू करा दो, शुरू करा दो। मैम नमस्ते। नमस्ते सर, गुड इवनिंग मैम। वेरी गुड इवनिंग। गिव मी अ मिनट देन वी विल स्टार्ट। मैम हाँ मैम, टुडे वी कैन कंडक्ट द पीपीडीटी। Okay. So we how to you know speak during this narration? You can also correct me. Okay, आपका narration check करना है, मतलब PPNDT का narration check करना है। Yes, yes, no. Okay, तो अभी गुरुजी की class में PPNDT चल रहा था क्या? नहीं नहीं वो TAT करा था, psychologist वाला, वो only. ओके तो ठीक है, आप लोग पीपीएनडीटी कर लीजिए, आप दो ही लिखते हैं ना। हाउ वी आर स्पीकिंग एंड लाइक द कैरेक्टर्स एंड ऑल द थिंग्स वी विल मेंशन। देखिए उसमें तो आपका ये है कि जो भी, देखिए उसमें जो भी आपका है, आपने अपनी स्टोरी जो लिखी है उसको एक बार रिवाइज करिए, फिर आपको बस ये देखना है कितने कम टाइम में आप उसको नरेट कर पा रहे हैं प्रॉपरली। जो आपने स्टोरी लिखी है बस उसमें कितना, मतलब मिनिमम टाइम आपको कितना लग रहा है, दैट इज इम्पोर्टेंट। आप कम से कम टाइम लेना है उसको नरेट करने में, मतलब विद इन वन मिनट आपको वो खत्म कर देनी है जो आपने स्टोरी लिखी है ना। तो ठीक है, आपने स्टोरीज लिखी है या फिर अभी लिखेंगे? नहीं, लिखी हुई भी है मैडम, और आप अभी फोटो दिखा दूंगा मैं, सब बंदे लिख भी लेंगे। हाँ तो आप दो ही लोग तो हैं? हाँ दो ही हैं। आपने लिखी हुई है स्टोरीज पीपीएनडीटी आपने की है? नो मैम, अभी तक तो नहीं। तो विनोद सर आप पहले ब्रीफ करिए, देन आप पिक्चर शेयर करिए और लिखिए, आप 5 स्टोरीज लिखिए, पहले पूरी लिख लीजिए, फिर बाद में एक एक करके नरेट करना, अल्टरनेट नरेट करवाएंगे जिससे आपको अपनी स्टोरी याद करने का, मेमोराइज करने का भी टाइम मिल जाएगा। ठीक है ठीक है, उसमें ज्यादा टाइम तो लगेगा नहीं। एक स्टोरी लिखने के लिए कितना मिनट चाहिए? 3 मिनट मैम, ओनली 4 मिनट। ओके 4 मिनट, ठीक है। 4×5 = 20, 5 स्टोरीज आप लोग लिख लीजिए। ठीक है ठीक है। हाँ तो शेयर करिए, आप यहीं पे स्क्रीन शेयर कर दीजिए। ठीक है तो वो नहीं, ग्रुप में कर दीजिए, जैसा भी है आप लोगों को जैसा ठीक लगे वहां वैसे कर दीजिए, कोई इशू नहीं है। ठीक है, जब आप स्टार्ट करें तो एक बार मुझे बता दीजिए सो देट वो विद इन टाइम लिमिट हो पाए वो चीज। ठीक है एंड आप यस सर, जो अभी आप इसमें गुरुजी क्लास पेड वाले ले हो ना आप, हाँ हाँ, जिसमें जो लास्ट की 4 स्टोरी है 5 वो लिख लेना सारी। ओके यार्ड से लेकर लास्ट तक जो साइक्लिस्ट में। ओके 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 स्टार्ट करो। ओके 9:03 हो रहा है, 9:04 मानते हैं, 9:24 पे आप लोग नरेशन शुरू कर दीजिएगा। 9:24 पे एंड म्यूट कर दीजिएगा दोनों ही लोग।
हेलो सर। हाँ सर। हेलो। यस सर। नो सर, वी आर राइटिंग द स्टोरी आफ्टर 9:24 मैम विल कम, देन वी विल नरेट इन फ्रंट ऑफ द मैम। ओके, यू आल्सो बी देयर सर, यू कैन चेक आवर प्रोनाउंसिएशन एंड द नरेशन हाउ वी आर डूइंग सर। सर 9:24:25। ओके ओके ओके, डन डन। मीनवाइल सर वी विल राइट 5 पिक्चर्स, वी आर ओनली 2। ओके ओके ठीक। Thank you.
Thank you.
Thank you.
ओके टाइम्स अप एंड स्टॉप राइटिंग अनम्यूट योरसेल्फ नाउ एंड